नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव कोटला बक्सरा मार्ग पर स्थित देशी शराब के ठेके से परेशान होकर कोटला के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय वंदे मातरम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत शर्मा तथा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव दीपक शर्मा के नेतृत्व में गांव कोटला के करीब 300 महिला व पुरुषों के साथ धरना प्रदर्शन किया। ठेका के कारण आम रास्ते पर गुजरने वाले राहगीरों व पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। शराबी शराब पीकर मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर शराब जुआ आने जाने वाले राहगीरों पर गलत असर डाल रहा है। संगठन के पदाधिकारी प्रभारी शैलेंद्र पंडित, उप सचिव डीएस लोधी, राष्ट्रीय सचिव अवधेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश राजपूत, संजू वर्मा आदि लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों के साथ शराब के ठेके के आगे प्रदर्शन किया गया। संगठन के अध्यक्ष शशिकांत शर्मा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से फोन पर ठेका खुलने से ग्रामीणों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ठेके संबंधी शिकायत पर समाधान का भरोसा दिलाया है। ठेका ठीक नहीं है।